हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अभी सभी रीजन्स के एडमिट कार्ड नहीं जारी किए गए हैं, लेकिन धीरे धीरे रीजन्स के एडमिट कार्ड और स्टेटस के बारे में लिंक एक्टिवेट हो रहे हैं। तो अगर आपने एसएससी सीएचएसएल का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो इस वीडियो में बताया जाएगा आप इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रत्येक रीजन के लिंक दे दिए जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में इस वेबसाइट का लिंक पोस्ट कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट सारे रीजन्स की दी गई हैं। अगर आप एमपीआर रीजन के लिए अप्लाई किए हैं, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, तो आप इस क्लिक हेयर बटन पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर स्टेटस ऑब्लिक डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2020 Tier 1, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेटस डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2020 Tier 1, इसमें आपको रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। इस बॉक्स को टिक करें और सर्च बटन पर क्लिक करें, या फिर अगर आपको रोल नंबर नहीं पता है तो अपना नाम डालें, अपने पिता का नाम डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें और इस बॉक्स को टिक करें और सर्च बटन पर क्लिक करें। इसी तरह अगर आपने एसआर रीजन के लिए अप्लाई किया है तो इस बटन पर क्लिक करके एसआर रीजन का एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं, और अगर आपने नॉर्दर्न रीजन में अप्लाई किया है, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड में, तो इस बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टेटस फॉर कंबाइंड सीएचएसएल लेवल एग्जामिनेशन 2020 Tier 1, अभी इसका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया गया है, स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करें, उसके बाद इस आई एग्री बॉक्स को टिक करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी होगी, पिताजी का नाम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी और सर्च स्टेटस पर क्लिक करें। अगर रोल नंबर आपको पता है तो रोल नंबर डालें, पिताजी का नाम डालें और डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च स्टेटस पर क्लिक करें। इसके अलावा अगर आपको रोल नंबर नहीं पता है तो अपना नाम डालें, अपने फादर का नाम डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें और स्टेटस सर्च पर क्लिक करें। आप यहां पर देख सकते हैं जिन जिन रीज़न के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, सारे एडमिट कार्ड के लिंक एक्टिवेट कर दिए गए हैं, आप यहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो आप यहां पर सारे लिंक्स दिए गए हैं, रीजन वाइज लिंक हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करें और स्टेटस को डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। जैसे एनआर रीजन पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट एक बॉक्स खुल जाएगा, आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद आप डिटेल फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही बता दें, अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया गया है। इसमें आपको यूपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके साथ साथ आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच दिया जाएगा जिसके गाइडेंस में आपकी पढ़ाई होगी, और आपको प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बताई जाएंगी, और मेंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, रेगुलर मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और उसका आपका पर्सनलाइज फीडबैक दिया जाएगा। इसके साथ ही स्टडी प्लानर मिलेगा जिससे सप्ताह में 2 बार आपके पढ़ाई का रिव्यू किया जाएगा और आपकी प्रोग्रेस को बताया जाएगा। इसके साथ ही एक्सपर्ट गाइडलाइंस के अंडर में आपकी पढ़ाई होगी जिससे आप अच्छी तरह से तैयारी कर सके, और मेंस की टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। इसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाएंगी, सारा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा, और एक प्लान लेने पर आपको सभी बैचेस का एक्सेस दिया जाएगा, आपको डेली कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। तो जो लोग ये प्लान लेना चाहते हैं, मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं, आपको ये प्राइस नहीं पे करना है, आप यहाँ पर 6000 से लेकर 13000 तक का डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप एसआर अड्डा कूपन कोड यूज़ करेंगे। तो आप वहाँ पर एसआर अड्डा कूपन कोड यूज़ करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है।